नमस्कार, शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अभी तकरीबन 3-4 दिन पहले श्रीलंका से चलता हुआ केरल और केरल से चलता हुआ गोवा और गोवा से मुंबई और मुंबई से गुजरात होते हुए राजस्थान चला गया। जो सिर्फ तबाही की, जो जान माल की हानि की वो तो छोड़ दीजिए, वो तो जो हुई वो तो हुई, लेकिन उसके बाद के जो परिणाम हैं, बहुत अधिक गंदगी होने की वजह से बीमारियों का, एकदम से हवा चलना, एकदम से ठंड हो जाने की वजह से सर्दी जुकाम की बीमारी, बॉडी का आकड़ना, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि गर्म सर्द हो रहा है। एक बार हम बाहर से आते हैं और हमें एकदम ऐसा लगता है कि पंखे के नीचे बैठ जाए, जब पंखा चलाते हैं तो सर्दी लगने लगती है। ये जो मौसम है ये बहुत ही नुकसानदायक है। अगर हम बात करें तो मुंबई को छोड़ दीजिए कि मुंबई के अंदर एक मौसम ऐसा होता है कि ना तो सर्दी है ना गर्मी है, या जहां पर भी समंदर का किनारा होता है वहां ऐसा होता है, लेकिन जहां और दूसरे स्टेट्स के हमारे वो हैं वहां पर सर्दी शुरू हो चुकी है और इसने जो नुकसान पहुंचाना शुरू किया है, मरीजों की संख्या बढ़ गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। एक तो जितने बुजुर्ग लोग हैं टोपी पहने, कान को ढककर रखें क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत जरूरी है। और गर्म चीजें जैसे अदरक की चाय पीते हैं आप, वो पी सकते हैं, या आपको चाहिए कि आप शाम को खजूर दूध के अंदर उबाल के ले सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और कोशिश कीजिए कि धूप लें, विटामिन डी मिलती है अगर आपको, आप सूरज के सामने अगर आप बैठते हैं मॉर्निंग में या थोड़ा सा रुकते हैं तो उससे आपकी बॉडी को फायदा मिलेगा। आप तुलसी की, अदरक की, लौंग की मिक्स चाय पी सकते हैं, उस चाय से आपको आराम मिलेगा। और अगर आपको लगने लगे कि सर्दी जुकाम ज्यादा है, बॉडी में ऐठन है, या आपको बुखार की हरारत हो रही, तो आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा डॉक्टर से, दवा लीजिएगा, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर बहुत बुरी तरह से हालत हो जाती है आदमी की। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर पर कपड़ा ओढ़ के रखें, खान पान का ध्यान रखें, बाहर की चीजें ना खाएं, आपको सर्दी का मौसम है क्योंकि वो ज्यादा दिक्कत देगी। और आप कपड़े पूरे पहन के रखिए, ये मत सोचिए कि आपको अरे भाई हमने कपड़े पहन लिए तो देखेंगे वो क्या लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। सर्दी अपने अपने शरीर के मुताबिक हर आदमी को सर्दी गर्मी लगती है, और मौसम है, मौसम के अंदर इस तरह की चीजें होती है। तो ये जो ओखी के बाद का प्रभाव है, जो एकदम सर्दी का बढ़ना या एकदम बुखार का, जुकाम का, खांसी का होना, इन सारी चीजों के उपाय के लिए जरूरी है। आप चाहें तो जिसको खांसी की शिकायत है वो अदरक, अदरक को तवे पे भून ले और उसके अंदर शहद मिला के उसको चाटे, उससे उसको आराम मिलेगा। तो ये जो सारी चीजें हमने इसलिए आपको बताई है कि मौसम के चेंज में सर्दी जुकाम खांसी ये चीजें आती हैं, लेकिन जो ये ओखी आया, जो बारिश लेके आ गया, तूफान लेके आ गया, कहर बरपा दिया, उससे जो चीजें हो रही हैं उसके बाद के जो दुष्परिणाम हैं उससे बचने के लिए आपको इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे और अपने अपने जीवन में अपने अपने धर्म को मानते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बना रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, आपकी शेयर और टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है। प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।